अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे, और यहाँ पर मैं भी थोड़ी बहुत ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है मेरे इंडिया से आने के बाद का, 2-4 दिन बाद में ही मैंने 2-3 बनाए थे, जिसमें एक दो डाल भी दिए हैं। ये थोड़ा सा रखा हुआ था तो मैं इसको भी डाल दे रही हूँ। जैसे मैं आई थी, बैग खोल रही थी अपने, तो मैं खा रही हूँ वाटरमेलन। बहुत मतलब दूसरी बार खा रही हूँ आज मैं, तो ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है, फ्रिज में रखा हुआ था। एंड गाइस, यहाँ पे अभी गर्मी बस शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, तो मतलब है गर्मी पर इतनी नहीं है, पर आप जैसे बाहर निकलोगे आप स्वेटिंग हो जाओगे। गर्मी शुरू हो गई। कि मैं इससे पहले व्लॉग में बोल रही थी कि गर्मी वहां पर शुरू हो गई इंडिया में, और यहाँ गर्मी शुरू नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, गर्मी 2 दिन के अंदर ही गर्मी शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। जैसे कि मैं अभी फैन चलाकर बैठी हूँ सामने से, तो बैठा मतलब नहा कर आई हूँ तो बैठी हूँ मैं। अब ऐसे बिना एसी के बैठना ही रहना मुश्किल है, तो वही वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। और मैं अभी नहाकर सबसे पहले चाय बनाकर पीकर आई हूँ, दिखाया नहीं मैंने क्योंकि किचन में गर्मी है बहुत ज्यादा। बहुत गर्मी है किचन। तो अभी जब अच्छा लगता है कि व्लॉग बना सकते हैं तो बना लिया है, नहीं तो फिर व्लॉग का भी ये खाकर बैठी हूँ चाय नाश्ते के साथ में। शोरमा शोरमा लेके आए थे आप, तो शोरमा और हमने जो मंदी कि खाई है। ये अभी हम कुछ भी अमान ने अगर लिया होगा, रिकॉर्ड करा होगा, वीडियो बनाई होगी तो बनाई होगी, नहीं तो अभी तक कुछ भी नहीं बना रहा है ये। तो ये आधा मैंने खाया है, आधा इसमें है। तो किसी किसी तरफ लाइट थोड़ी सी मेरे ऊपर कम आती है, क्योंकि लाइट भी जो छत पर लगी हुई है, अगर मैं मुंह ऊंचा उठा लूँ तो दिखाई पड़ जाता है सर। तो लाइट है छत पर, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा दिखता है क्योंकि ऊपर लाइट है, तो साइड में दीवार में कोई लाइट नहीं है। तो बैठी हुई थी मैं, और मैंने कुछ भी दिखाया नहीं कि हम क्या क्या लाए थे। हम बहुत सारे चीजें खाने की भी लेकर आए थे जो चलती हैं सूखी, और थोड़ा सा मिर्च मसाला भी लेकर आए थे, थोड़ी सी चिप्स वगैरह बनाकर, और इस तरह की चीजें भी लाए थे। तो वो सब जो था, जब मैंने क्लीन करा था और बैग खाली करे थे, तो उस टाइम मैंने जल्दी जल्दी से रख दिया था। अगर उसे सारे को दिखाती तो बैग तो बहुत ही सारे बैग थे, और सभी में कुछ ना कुछ था। अपने कपड़े और सभी के कपड़े, और जो कि यहाँ अभी बेड शीटों की बड़ी कमी हो गई थी, और मैं लेकर भी आ गई थी एक दो, और बनाई भी थी मैंने एक दो। तो उनसे पूरा तो होता नहीं है क्योंकि बेड भी बहुत सारे हैं अपने यहाँ, तो बेड ज्यादा होने की वजह से बेड शीट चाहिए। और नीचे कभी कभी ज्यादा जने खाना खा रहे हैं तो भी नीचे बिछाने के, और फिर दस्तरखान अपना लगाने के भी ये चाहिए। तो मैंने जाने के बाद क्या करा था कि मेरे जाने के बाद में शादी थी, तो 5-6 जोड़ी मैंने शादियों के हिसाब के सिंपल सिंपल से कपड़े तैयार किए थे, जिनसे मैंने वो शादियां कर ली थी। और शादियां क्या, जितने भी काम पड़ते रहे छोटे छोटे बड़े, आने जाने के, अवतार वगैरह जो भी रहे, वो मैं उन्हीं कपड़ों से कवर करती रही। अब आई बारी घर में पहनने के कपड़े, जो मुझे यहाँ ऐसे कपड़े चाहिए, तो मैंने बुलाने शुरू कर दिए। सारे रमजानों में लेकर आई, सिलने को मैंने दिए नहीं, और सोचा था कि खुद ही सिल लूंगी लाकर। तो मैंने फिर सोचा कि तबीयत भी ऐसी खराब रहती है तो सिलवा लूं। तो वहां पर गली जहाँ मेरा घर है अपना, वहां पर लड़की एक हमारी बहन ही बोले काम करती है, वो सिलती है असमा, तो उसने कपड़े सिलती है, और उसी ने मेरे वो शादी के फटाफट सिल के दे दिए थे। और घर में ही काम कर लेती है, इतना अच्छा भी सिलती है, अच्छे से कपड़े बनाती है। तो वो मैंने फिर बारी बारी जल्दी जल्दी उसको सिलने के लिए देने शुरू कर दिए ईद के टाइम। तो ईद ईद नजदीक हो गई, फिर भी उसने मेरे जो भी सिलने थे, कुछ रह भी गए थे, कुछ जो है किसी और से भी मुझे थोड़े से सिलवाने पड़े, और 2-3 साल लग जाते हैं, तो उसके लिए इतने कपड़े घर में पहनने को बारी बारी से चाहिए। आने के बाद में जब मैंने बैग खोल दिए थे, बैग खोलने के बाद में फिर मैंने अपने कपड़े देखे थे, सबके रख दिए, और फिर मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ कि इस बार मैं अपने कॉटन के कपड़े ले आई हूँ। तो जैसे तैसे करके मैं लेकर आई, ये सब बताया भी मैंने आगे चल के कि कैसे मैंने ये सब बनाए और सिलवाए। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि इसमें बहुत हल्के वाले भी हैं रोज में पहनने के, ये जैसे कि ये बहुत ही हल्के हल्के से प्राइस में भी हैं, और जो आगे दूसरे दिखलाए थे वो कुछ थोड़े ठीक ये वाले जैसे, ये अच्छे से हैं।
तो इनमें अच्छे बोलो तो कपड़े में भी अच्छे हैं देखने में भी। तो ये इस तरीके से मैं अपने सारे कॉटन वाले सूट दिखा रही हूँ जो कि मैंने वहाँ यहाँ हलाने के लिए सारे जमा किए और सिलवाए और लेकर आई। थोड़ी सी बेडशीटें भी थी तो बेडशीट भी मैं दिखा रही थी। तो ये कुछ सूट मुझे, ये वाला सूट मुझे हमारे जो देवर हैं छोटे वाले उन्होंने दिया था, तो सिल के भी उन्होंने दिया था। तो ये वाला मैं ये इस पास से इसीलिए दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छा था लाइट से कलर का। और ये मेरी बहन ने दिया था जो मुझसे बड़ी है, उनके आलिया की मम्मी देखा होगा जब मैं गई हूँ उनके घर पर, दो उनकी बहुएं हैं। तो ये उन्होंने मुझे दिया था, ये पाकिस्तानी सूट है और देखिए उन्होंने इंडिया से ही लेकर मुझे दिया था। मेरी हाइट तो थोड़ी सी छोटी थी तो वो उसकी जो लेंथ वेंथ है वो कट कर थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो ये भी एक लाइट से कलर के सूट है, मैंने थोड़े लाइट कलर में और थोड़े मीडियम ही कलर में लिए थे हर एक कलर के। तो ये दिखा रही हूँ, मुझे किसी को देना था तो जो सिलावा नहीं है तो वो ओमान के कुछ टीचर को गिफ्ट में देना था, वो रखा हुआ है। तो ये ब्लैक भी है, ब्लैक एक या दो लेकर आई थी तो लाइट कलर के हैं सब। और ये मेरी ने कुर्ती दी थी तो उनके यहाँ ना बुटिंग का काम अच्छे करते हैं तो ये उन्होंने दी थी, बहुत अच्छी थी। ये बेडशीटें बता रही हूँ मैं, तो बेडशीटें मैं बहुत ही कम लेकर आई, सामान ज़्यादा हो जाता है बेडशीट में रख कर आ गई हूँ दो तीन घर पर ही, तो वहाँ पर ही छोड़ कर आई। और बेडशीट में काफ़ी वजन था तो मैं लेकर आई हूँ, अभी भी चार बेड ही इतने सारे हैं घर में, चार तो बेड हैं। तो कपड़े तो इतने मुझे बहुत हैं, बहुत ही हैं। मैं जल्दी से कपड़े अपने ख़राब नहीं करती हूँ और जल्दी से वॉशिंग मशीन में नहीं डालती, वॉशिंग मशीन में बेडशीट या दूसरी चीज़ें डालती हूँ तो कॉटन के कपड़े जो बहुत पुराने हो जाते डालती हूँ। तो कपड़े तो मुझे बहुत हैं, कुछ घर में निकाल लूँगी जो मैंने घर के हिसाब से सिलवाए, कुछ रखेंगे जो कहीं पर आने जाने में या त्यौहार पर इन्हीं में से पहनेंगे क्योंकि मुझे वैसे कपड़े में नहीं बनाती हूँ और न लाती हूँ। बेडशीट मुझे बहुत कम रही हैं क्योंकि बेडशीट में इसमें बुरा नहीं पड़ता, बेडशीट जितने बेड हैं और जितनी बेडशीटों की ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से बेडशीट बहुत कम है। तो आएगा कोई तो मैं मंगवा लूँगी और कम से कम भी दो और आ जाएँ तो कवर हो जाएगा सब बेड वेड बेचने के लिए और कुछ साल चलने के लिए। अभी को या तो बिछा लें या तो कुछ नए के हिसाब में रख लें, तो वही इतनी ही है, ये कम है। तो ये भी अच्छी हैं काफ़ी, ये तीनों बहुत अच्छी वाली हैं और ये थोड़ी सी सी कम है, ये भी है कॉटन की, तो ये और आ जाए इसमें भी तो अच्छा है। तो दवाई आई है अभी बहुत सारी, कुछ आई है पता नहीं, कुछ 300 रियाल की दवाई आ गई है और दवाई में ये है एक, ये है मेरी है, ये दो मेरी हैं जो कि यूरिन के इन्फेक्शन में आती है मुझे और कोलेस्ट्रॉल में आती है ये। तो मैं वहाँ से ले आती इंडिया से तो अच्छा ही था लेकिन मैं डाल नहीं पाई वहाँ से। ये अमान के हैं एलर्जी वलर्जी की, अमान के लिए हैं तो कई कई आई हैं, एक एक तरह की दोनों आई हैं। ये इनकी है विटामिन की और ये शुगर की, तो ये है तो इनकी तो सबसे ज्यादा महंगी ये है, सब 40-25 की है ये, लेकिन 100 की। मैं दवाइयाँ दिखा रही थी अपनी और मैं आने के वाले वीक में ही जब मैं इंडिया से आई थी तो गई थी मैं लूलू में से कुछ एक आध चीज़ लाई थी ये अभी, तो वो हाथ में है हमारे सामान, हमने लिया था ऊपर से और ऊपर से हम नीचे उतर रहे हैं, ये वहाँ से तो उतर नहीं रहे हैं, हम सीढ़ियाँ भी हैं ना सीढ़ियों से उतर रहे हैं। तो मैं सीढ़ियों से इसलिए उतरी थी कि यहाँ बच्चों के लिए लेडीज़ के लिए छोटे से गेम वेम होते रहते हैं, तो वो एक ये दिखाऊंगी मैं अभी कि बलूनों में पर्ची डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो जिसके पास भी वो गिफ्ट पर्ची में निकलेगा वो मिलेगा। तो यही मैं पास से दिखा रही थी और ये इस तरीके से हमेशा होते ही रहते हैं इस तरह के और तरह के। तो देखिए जिस पे भी बलून रहेगा और उसकी बलून में कौन सी पर्ची निकलेगी। तो बस आज का व्लॉग था मेरा ये छोटा सा इंडिया से आने के बाद का, कैसा लगा आपको? अल्लाह हाफिज़।